नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 238 की बात करते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि पाठ को क्रम से पढ़ें, क्रम से पढ़ेंगे तो 100% आपको लाभ मिलेगा और आपके समझ में पाठ बड़े आराम से आएंगे। और यदि पाठ के बीच में या पाठ में कुछ भी ऐसा अंश हो जो आपके समझ में ना आता हो तो आप दिए हुए नंबर पे तुरंत संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम लोग पाठ संख्या 236 और 37 में वृष लग्न में गुरु का पहले से चौथे स्थान तक और फिर पांचवें से आठवें स्थान तक स्थित होने का फल क्या प्राप्त होगा इसको पढ़े हैं। और अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि नौवें स्थान में यदि गुरु स्थित हो तो हमको क्या फल प्राप्त होगा। अब देखिए कि नौवें स्थान में गुरु है तो अब हम लोग हम हमेशा कहते हैं कि क्रम में सभी बातों को ध्यान में लाना चाहिए। गुरु शुभ ग्रह है, इस पत्रिका में अष्टम एकादश का स्वामी है, ये वृष लग्न की पत्रिका है, इसके स्वामी शुक्र हैं, और कालपुरुष के पत्रिका में गुरु नौवें का स्वामी होते हैं और द्वादश के स्वामी होते हैं। तो इन सारी बातों को यदि हम ध्यान में रखते हैं, अब ये गुरु शुभ ग्रह है तो इनकी दृष्टियाँ शुभ होती हैं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं तो हमारे लिए सरल होता है पाठ को समझना। अब नवें स्थान में जैसे ही मकर राशि के लोग देखेंगे गुरु को तो कहना प्रारंभ कर देंगे कि ये नीच का गुरु हो गया, यहाँ फल उत्तम नहीं होगा। अब नवें के कारक भी होते हैं गुरु, ये हम जानते हैं, स्थिर कारक में हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। अब हम हमेशा कहते हैं कि उच्च नीच बकरी मार्गी इससे थोड़ा ऊपर उठना चाहिए और ज्योतिष को सूक्ष्मता से समझना चाहिए। अब यहाँ हम मकर राशि का गुरु है इसको न समझते हुए अगर ये समझें कि ये नवें स्थान में है और नवा स्थान उत्तरोत्तर सबसे शुभ स्थान है और गुरु सबसे शुभ ग्रह हैं तो नवें स्थान में स्थित होकर गुरु अच्छे परिणाम देंगे। अब क्या अष्टमेश गुरु नवें में जाकर के हानि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, लेकिन अपेक्षाकृत कम करेंगे। यदि कोई अष्टम स्थान का स्वामी अशुभ ग्रह होता तो वो विशेष हानि पहुंचाता। तो इन बातों को हमने समझ लिया। तो क्या नौवें स्थान में स्थित होकर गुरु लग्न को देखेंगे, पराक्रम को देखेंगे और पंचम स्थान अर्थात संतान स्थान को देखेंगे? तो क्या हम उम्मीद करें कि ये अष्टम का प्रभाव लेकर के देखेंगे? नहीं, दृष्टियों में कोई अष्टम का प्रभाव नहीं होता, कोई छठे बारहवें का प्रभाव नहीं होता, मित्र शत्रु उच्च नीच दृष्टियां नहीं होती, दृष्टियां या तो शुभ होंगी या अशुभ। तो यदि हम इसको शुभ ग्रह मानते हैं तो इनकी दृष्टियों को शुभ मानना पड़ेगा, लग्न को दृष्टि दे रहे हैं तो हम जातक के विषय में कह सकते हैं कि शांत स्वभाव के होंगे, अपने समझ बूझ के साथ ही काम करेंगे, बिना विचारे किसी काम को करना पसंद नहीं करेंगे। पराक्रम स्थान के ऊपर दृष्टि होने से हम कहते हैं कि जातक सूरवीर और पराक्रमी होंगे, इनके छोटे भाई बहन होंगे और इनके छोटे भाई बहन का विकास भी होगा, अपने जीवन में वो उन्नति भी करेंगे। संतान भाव और हायर एजुकेशन को देखेंगे तो हायर एजुकेशन में अच्छा करेंगे, संतान का सुख हमको जीवन में प्राप्त होगा, बड़े व्यवसाय को करने में हम सफल हो सकते हैं, ऐसे बातों को समझना चाहिए। अब नवम स्थान में है तो हमारा आचरण धार्मिक होगा, हम देखेंगे कि अष्टम का प्रभाव लेकर के स्थित है वहाँ, अष्टम का स्वामित्व तो होकर के नवम में स्थित है तो कभी कभी हमारा लक फेवर न करे, होता हुआ काम रुक जाए, इसकी संभावना है, क्योंकि अष्टम के रिजल्ट को तो आखिर गुरु को ही देना है। तो रिजल्ट देने के क्रम में हम रिजल्ट को बैलेंस कैसे रखें इसके लिए गुरु के विषय में, वो जिस स्थान का स्वामित्व रखता है उसके विषय में, उसके प्रकृति कैसे हैं, शुभ प्रकृति के हैं या अशुभ प्रकृति के हैं, इसके विषय में अच्छी तरह से समझने के बाद ही रिजल्ट कहना चाहिए। और पुनः दोहराएंगे, कभी किसी एक ग्रह के आधार पर ज्योतिष का रिजल्ट संभव नहीं होता। अब गुरु नवम स्थान से हम यहाँ से कहते हैं और इस गुरु को यहाँ स्थित करते हैं तो ये केंद्र का स्थान है।
विशेष शुभ स्थान ही कहते हैं हम लोग। कभी कभी वो स्थान यदि लग्नेश, उस स्थान के स्वामी यदि लग्नेश के मित्र न हो तो ऐसे में वो अपनी शुभता खोते, लेकिन केंद्र स्थान को शुभ स्थान ही कहते हैं। अब गुरु यहाँ पे स्थित है, हम मेष लग्न में आप लोगों को बताए हुए हैं कि गुरु भाग्येश होकर के भी दशम में स्थित हो तो ऐसे में अपनी अंतरदशाओं में मार डालने की अर्थात मृत्यु तक देने का सामर्थ्य रखता है। अब उसका कारण यही है कि वो तीसरे और आठवें स्थान से आठवां और तीसरा है, और साथ में हम हमेशा कहते हैं कि दशम स्थित ग्रह से हम अपने कर्म की बात तो करें ही, साथ में मरण की भी बात सोचनी चाहिए और समझनी चाहिए। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि दशम स्थित ग्रहों को बहुत ही सूक्ष्मता से देखना चाहिए। अब दशम में ये काल पुरुष के अनुसार मकर राशि के होते हैं, इस बात को भी मानना है। अब दशम स्थित होकर के धन स्थान को, छठे स्थान को और साथ में सुख स्थान को दृष्टि देते हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि धन की वृद्धि होगी, वाणी बहुत अच्छी होगी, कुटुंबों का सहयोग मिलेगा, कुटुंबों का साथ मिलेगा, सुख की जीवन में चिंता नहीं होगी, लेकिन रोग ऋण और शत्रु से भी परेशान हम रह सकते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारे दशम स्थान में स्थित होकर के गुरु दूसरे स्थान को, चतुर्थ स्थान को और छठे स्थान को अपने दृष्टि से प्रभावित करता है। अब गुरु यदि एकादश स्थान में स्थित हो तो वृष लग्न की पत्रिका में गुरु एकादश में है तो अपने ही घर में है, मीन राशि वहाँ स्थित है। तीसरा, छठा और ग्यारहवां स्थान अशुभ स्थान है, छठा आठवां और बारहवां स्थान दुख स्थान कहा गया है। अब छठे और आठवें और बारहवें में यदि कोई ग्रह जाता तो हम निश्चित रूप से कहते कि वो अपने कार्यकत्वों की हानि करता है, लेकिन एकादश स्थान चूँकि उन्नति का स्थान है, बढ़ोत्तरी का स्थान है, लाभ का स्थान है, इसीलिए वहाँ कोई भी ग्रह यदि स्थित हो तो उनके कार्यकत्वों की वृद्धि होती है, हम हमेशा ऐसा ही बताते हैं। अब यहाँ गुरु स्वराशि के हो गए तो सबसे पहले तो ये स्थान बलवान हो गया और साथ ही गुरु के कार्यकत्वों की वृद्धि हो गई। अब गुरु के कार्यकत्वों को आप सभी जानते हैं कि सुख के दाता हैं, आनंद के दाता हैं, संतान के दाता हैं, ज्ञान के दाता हैं, धन संपत्ति के दाता हैं, तो इनकी वृद्धि हो गई और अपने दृष्टि से ये पराक्रम स्थान, हायर एजुकेशन या संतान का भाव है, और साथ में सप्तम स्थान जाया भाव या पार्टनर का हाउस, व्यापार का क्षेत्र, लंबी यात्रा की बात, भोग का स्थान, तो हम समझ सकते हैं कि गुरु यहाँ स्थित होकर के पराक्रम को बढ़ाएगा, पंचम निश्चल प्रेमी बनाएगा, संतान सुख प्राप्त होगा और अपने जात दाम्पत्य जीवन में भी हम सुखी रहेंगे, अपने पार्टनर के साथ भी हमारा व्यवहार उत्तम होगा। अब ये अष्टमेश एकादश स्थान में है तो अचानक क्या लाभ हानि संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जिसको जो दायित्व मिला है उसको करना है। यही है कि अशुभ ग्रह बहुत ही क्रूरतापूर्वक अपने कार्य को करता है और शुभ ग्रह अपने गुण स्वरूप अर्थात अपने प्रकृति के अनुसार शुभता के साथ कार्य को करता है, इसीलिए बहुत अधिक हानि होने की संभावना नहीं है। आगे जब द्वादश में बात करें कि द्वादश स्थान में गुरु, तो हम लोगों को याद आ जाना चाहिए कि काल पुरुष के अनुसार द्वादश स्थान गुरु का ही है। अब अष्टम के स्वामी द्वादश में गए हैं, ये विपरीत राजयोग भी बनाते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी हम कहेंगे कि गुरु का द्वादश जाना अपने कार्यकत्वों की हानि जरूर करता है। तो यहाँ अपने कार्यकत्वों की हानि करता, प्रसन्नता में कमी, आनंद में कमी, सुख में कमी, ये आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। साथ ही हम कहते हैं कि यहाँ से सुख स्थान को दृष्टि देते हैं तो अपने दम पे ये सुख में वृद्धि करने वाले भी होंगे, आप कहेंगे सुख में कमी और सुख में वृद्धि। अब हमने कहा आनंद में कमी, आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आप सुखी नहीं हैं, आपके पास संतान है लेकिन संतान का सुख नहीं है,
आपके पास धन है, धन का सुख नहीं है। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान का सुख आपको प्राप्त नहीं होता। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि द्वादश में गुरु जाने से ये फल होना चाहिए कि संतान होते हुए भी संतान के सुख की कमी महसूस करेंगे, धन होते हुए धन के कमी महसूस करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आगे अब अगर ये सुख स्थान को देखता है तो भूमि भवन मकान का मालिक हम नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। रोग ऋण शत्रु से हमें परेशानी होगी ही होगी, और साथ में गुरु अष्टम स्थान को देखता है, यहाँ स्वराशि अपने ही राशि को देख रहा है, अपने ही घर को देख रहा है। तो ऐसे जातक शोध कार्यों में निपुण, गुप्त कलाओं को जानने वाला, गुप्त धन को प्राप्त करने वाला होता है। तो कितने सरलता पूर्वक हम लोगों ने वृष लग्न के 12 भावों में गुरु को स्थित करके गुरु के गुण स्वरूप से ही उन 12 भावों के फल को बताना है, ये कितना आसान है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम 12 के 12 लग्नों में सभी ग्रहों की व्याख्या कर देंगे तो फल कथन कहना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। इसके बाद भी यदि आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई भी ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रहा हो, तो आप तुरंत हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र, मेल आईडी, फ़ोन नंबर सब आपके पास उपलब्ध है। कभी भी आप निसंकोच फ़ोन करें। एजुकेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हम कोई शुल्क आप लोगों से नहीं लेते हैं। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।